गोरखपुर में सोमवार को 24 घंटे के अंदर केवल 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके बाद जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 21,320 पहुंच गया है। इसमें 20,826 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 354 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 140 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की है। सोमवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो 3 नए मरीज मिले हैं। इसमें कोतवाली, कैंट और गोरखनाथ थाना क्षेत्र में एक एक मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 7 नए मरीज मिले हैं। इनमें खोराबार और चरगावा में एक एक, भटहट में 2 और कैंपियरगंज थाना क्षेत्र में 3 मरीज मिले हैं। इसकी पुष्टि डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने करते हुए बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानी को बरतने की अपील की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतने होंगे, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है, इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन सभी को लग नहीं जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।